नेकपा बारह द्वारा संसद विघटन के संवैधानिक कुकहत कलैया में विरोध प्रदर्शन, प्रचंड कुर्सी में ही सब क्रांति देखे वाला महारोग से ग्रसित रहल कहनी शहरी विकास मंत्री प्रभुसा। सप्तरी में राजावादी के प्रदर्शन में हस्तक्षेप, बैनर में आगजनी, बारह में फांसी झूल के एक युवक कैलख आत्महत्या। भुगतानी के समझौता भइल खबर सुन के एक ऊँख किसान के हृदयघात के कारण मृत्यु हुआ। महोत्री में घूर तापे के क्रम में देह में आग लगला से एक महिला के मृत्यु। नमस्कार, बारा जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल नवासी मेघर तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com ऐसे ही हमारे पत्र पर दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर में स्वागत करते हैं। हम नूर आलम बादशाह। अब खबर विस्तार में। नेकपा प्रदेश नंबर दो के इंचार्ज एवं स्थायी कमेटी सदस्य सत्यनारायण मंडल प्रधानमंत्री के सदन विघटन करेला नेकपा के ही कुछ नेता लोग बाध्य कैल आरोप लगे बानी। देश के बर्बाद के भूमरी में ले जाके छोड़ेला कह के जनता में प्रधानमंत्री फिरता करके एकदम सही कदम उठावल नेता मंडल के कहनाम रहल बाटे। नेकपा ओली गुट से बिहान बीरगंज में आयोजना करे लागल अगुवा कार्यकर्ता भेला के विषय में जानकारी देवेला बीरगंज में आयोजना कल गेल पत्रकार सम्मेलन में नेता मंडल ऐसन बात बतले बानी। नेपाल पत्रकार महासंघ पर्सा के सभा हॉल में ओली गुट के नेता तथा नेकपा पर्सा के अध्यक्ष प्रभु हजरा के सभापतित्व में सम्पन्न भइल कार्यक्रम में पत्रकार सब के प्रश्न के जवाब देते नेता मंडल अब पार्टी कोनो भी हालत में एकजुट होकर आगे बढ़ न सके के तथा सदन भी पुनर्स्थापना न होके के दावी कनी। एक प्रश्न के जवाब देते नेता मंडल ओली समूह ही आधिकारिक नेकपा रहल तथा सूर्य चिन्ह भी इहे पार्टी संगे रह के दावी कैले बानी। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी 12 से संसद विघटन के संवैधानिक कुकहत कलैया में विरोध प्रदर्शन कैले बाटे। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पुष 5 गते कैले संसद विघटन के कदम असंवैधानिक आ अवैधानिक रहल कहत नेकपा 12 से सदर मुकाम कलैया में विरोध प्रदर्शन कैले बाटे। आज भइल कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय सदस्य गोपाल ठाकुर, पूर्व मंत्री पुरुषोत्तम पौडेल, केंद्रीय सदस्य दिनेश राय, प्रदर्शन नंबर 2 के कमेटी सदस्य राजन पौडेल, तपेश्वर चौधरी, सुंदर बी के मुकेश शाह, शिवचंद्र कुशवाहा, अनिल श्रेष्ठ लगायत के नेता सबके सहभागिता रहल रहे। कलैया में परिक्रमा बाद भरत चौक में पुगे सभा में परिणत भइल रहे। कार्यक्रम में बुलत प्रमुख अतिथि समेत रहल ठाकुर संविधान संघीयता आ लोकतंत्र के ही तुहावे के पापी सोच भइल आ पगलाइल ओली से चाहल हमनी विघटित संसद कह के छोड़म कह के साथ वहाँ के ओली के निर्वाचन आयोग से बैलगाड़ी चुनाव चिन्ह देवे के वही में बैठ के ओली अमेरिका जाए के बतैनी। नेकपा 12 जिला सहित देशभर असंवैधानिक कदम रहल कह के प्रदर्शन कैले बाटे। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के नेता तथा शहरी विकास मंत्री प्रभु शाह, पुष्प कमल दाहाल प्रचंड आ माधव नेपाल देश के बर्बाद करेला एकदम औताइल रहल खुद से केपी शर्मा ओली के साथ देवे के बतैले बानी। नेकपा प्रदेश नंबर 2 के अध्यक्ष समेत रहल नेता शाह एक वक्तव्य जारी करत मुल्क में प्राप्त उपलब्धि सबके रक्षा करेला स्थायित्व के खातिर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेतृत्व के नेकपा के संस्थापन पक्ष के साथ देवेला आग्रह कैले बानी। विगत में आंदोलन आ युद्ध के खातिर पार्टी बनावे के आ फोड़े के काम कैल प्रचंड शांति प्रक्रिया बाद कुर्सी में ही सब क्रांति देखे वाला महारोग से ग्रसित भइल नेता के ठहर रहल बाटे। प्रचंड के सत्ता लोभ के परिणाम स्वरूप आज कम्युनिस्ट आंदोलन धराशाही भइल आ एगो मुलुक ही अस्त व्यस्त एवं अन्योलग्रस्त स्थिति में पुगल। वहाँ के वक्तव्य में उल्लेख बाटे ज्ञानेंद्र के निरंकशता विरुद्ध लड़ला के बदला राजा के दाम चढ़ावल दू क्षेत्र से हार के प्रधानमंत्री भइल महाधिवेशन से पराजित होकर अध्यक्ष बने ना सकला से पद के लोभ माधव नेपाल के अध्यक्ष से बनैला के देश के जनादेश विपरीत भइल आ समय कम्युनिस्ट आंदोलन के लज्जित भइल वक्तव्य में कहल गेल बाटे। मुख्यतः 2 नंबर प्रदेश लगायत देशभर संपूर्ण न्यायप्रेमी पक्षधर नेता कार्यकर्ता शुभेच्छुक एवं शुभचिंतक सब में ई आंदोलन में गोलबंद होके कम्युनिस्ट कमरेड केपी शर्मा ओली के नेतृत्व के सरकार के जनपक्षी काम कार्रवाई के सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करेला सहयोग कर देवेला संपूर्ण देशवासी से हार्दिक अनुरोध समेत वहाँ के कैले बानी। नेकपा प्रचंड माधव पक्ष के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल निरंकुश रास्ता पकड़ल केपी ओली एंड प्रवृत्ति के उम्र समाप्त हो चुकल बतल बानी। आज संसद विघटन विरुद्ध काठमांडू में भइल विरोध प्रदर्शन के संबोधन करत नेता नेपाल निरंकुशता के रास्ता समेत ओली प्रवृत्ति के आयु समाप्त भइल बतैनी। वहाँ के पुष 5 गते ओली से उठावल गई कदम जनभावना आ राजनीति के हिसाब से उचित न भइल
इसे स्वीकार कर ना सके के बतैनी। असंवैधानिक कदम के अस्वीकार करेला आंदोलन के उद्घोष कैल उनकर कहनाम रहे, लेकिन ओली सुधरला में सभी बात भुला जाए के तैयार रहल नेता बतैनी। पिछला 24 घंटा में 7 से 8 जने कोरोना संक्रमित बढ़ल बानी। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय के अनुसार पिछला 24 घंटा में 7 से 8 जने कोरोना संक्रमित बढ़ल बानी। इस संगे नेपाल में कोरोना संक्रमित के कुल संख्या 2,59,548 पुगल बाटे। पिछला 24 घंटा में 7 से 31 जने कोरोना संक्रमित संक्रमण मुक्त भइल बानी। अभी तक संक्रमण मुक्त होखे वाला के संख्या 2,51,312 पुगल बा। अभी सक्रिय संक्रमित के संख्या 6,396 रहल बाटे। पिछला 24 घंटा में 8 जने कोरोना संक्रमित के मृत्यु भइल बाटे। इस संगे नेपाल में कोरोना संक्रमण से मृत्यु होने की संख्या 1,840 पुगल बा। राजा सहित हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापना के खातिर सप्तरी के सदर मुकाम राजविराज में कैल गैल रैली प्रदर्शन करत कार्यक्रम गड़बड़ावेला के साथे बैनर समेत में आगजनी कैल गेल बाटे। जनता समाजवादी पार्टी नेपाली कांग्रेस आ दहाल नेपाल समूह के नेकपा आवत विद्यार्थी सब आज कार्यक्रम के भंग करत रैली के खातिर तैयार कल गेल बैनर समेत जलैले बाटे। विभिन्न आंदोलन बाद जनता से प्राप्त कल संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के समाप्त करेला हो रहा षड्यंत्र के विरोध करत विद्यार्थी सब राजावादी के रैली गड़बड़ैले रहे। सदर मुकाम राजविराज में राजा आउ देश बचाओ कह के नारा के साथ जुलूस समेत प्रदर्शन कर रहा बाटे। तो दूसरका तरफ जगह जगह में व्यापक मात्रा में प्रहरी परिचालन कल गेल बाटे। करीब 9 महीना बाद सवारी चालक अनुमति पत्र के ऑनलाइन आवेदन खोला भई बाटे। यातायात व्यवस्था विभाग से बीतल पूस 10 गते सूचना जारी करके स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय से जारी कल गेल स्वास्थ्य संबंधी मापदंड सब पालना करके व्यवस्था कल गेल बाटे। आज से आवेदन खुला कल गेल बाटे। सेवाग्राही से सवेरे 6 बजे से रात के 10 बजे तक फार्म भर सकल जाता। यातायात व्यवस्था विभाग के वेबसाइट में जाके ऑनलाइन फार्म भर सके के जनावल गेल बाटे। 12 में एक युवक घेंट में फंसरी लगा के आत्महत्या कर ले बाटे। 12 के महागढ़ में नगर पालिका वार्ड नंबर 2 मैनी टोल रहे वाला राजेंद्र महतो के बेटा वर्ष 34 के प्रदीप प्रसाद कुशवाहा कह के युवक आज दोपहरिया 1:30 बजे के समय में घर में फंसरी लगा के आत्महत्या कैले बानी। मैनी टोल के दक्षिण तरफ आत्मज्ञान संस्था नजीक रहल घर में घरायसी विवाद के कारण वहाँ के आत्महत्या कैल हो सके के स्थानीय सब के कहनाम रहल बटे। स्थानीय सब फसरी लगा के अवस्था में कुशवाहा के देखला बाद प्रहरी की खबर कैले रहे। प्रहरी चौकी बरियारपुर के प्रहरी नायब निरीक्षक प्रमोद कुमार शाह के नेतृत्व में घटनास्थल पहुंच के प्रहरी टोली मुचुलका उठाइल जिला प्रहरी कार्यालय 12 जानकारी दिल बाटे। बहकौता रकम भुगतानी के मांग करत काठमांडू के मायती घर में आंदोलन कर रहा किसान आ सरकार बीच समझौता भइल सुन के आंदोलन में आयल एक किसान के हृदयघात से मृत्यु भइल बाटे। सरलाही के नारायण राय यादव भगत काठमांडू आंदोलन में सहभागी रहनी। वहाँ के ई बेरी पूरा भुगतानी न लेके काठमांडू से न लौटे के कहत आंदोलन में सक्रिय रहनी, लेकिन भुगतानी ही न लेके सरकार आंदोलनकारी बीच समझौता भइल कह के सुन के वहाँ के हृदयघात भइल। जनता समाजवादी पार्टी नेपाल के नेता केदारनाथ चौधरी बतल बने विगत 3 वर्ष से वहाँ के अन्नपूर्ण शुगर मिल से 24,65,000 रुपया लेवे के बाकी रहे। वह पैसा के कारण वहाँ के इतना तनाव में रहनी। मौत्री में जाड़ के भगावे ला आग बार के घूर तापे के क्रम में शरीर में आग लगला से एक महिला घायल भेल बड़ी। मौत्री के एक डेढ़ा गांव पालिका 3 पारसा रहे वाला 70 वर्ष के राजू देवी साह जर के गंभीर घायल भेल बड़ी। यह इतवार के संझिया 7 बजे के समय में घूर तापे के क्रम में साड़ी में आग लाग के शरीर जर के घायल भैले जिला प्रहरी कार्यालय मौत्री जानकारी दिल बैठे। उनका इलाज प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर में हो रहा घटना के विषय में अनुसंधान हो रहा प्रहरी जानकारी दिल बैठे। सरलाही के चंद्रनगर गांव पालिका में 65 मुसहर बाल बालिका के ऊनी कपड़ा वितरण कर गए बैठे। वार्ड नंबर 3 गेरुका टोल के 65 मुसहर बाल बालिका के तराई में बढ़त गए ठंडा के मद्द नजर करत काठमांडू निवासी समाजसेवी बीपी खनाल के सहयोग में ऊनी कपड़ा अर्थात स्वीटर वितरण कल गए चंद्रनगर के समाजसेवी भाग्य नारायण गुप्ता जानकारी दिल बनी। वार्ड नंबर 2 के विपन्न तथा दलित बाल बालिका सबके निःशुल्क ट्यूशन पढ़ा रहा समाजसेवी युवा शिवनाथ राउत के पहल में उक्त गरम कपड़ा वितरण कल गेल बाटे। समाजसेवी कहार दलित बाल बालिका लगायत के अन्य विभिन्न व्यक्ति सबके सहयोग करत विभिन्न सामाजिक कार्य में लागत आइल बानी। भारत से नेपाल सहित के मुलुक में प्याज के निर्यात में लगावत आयल प्रतिबंध हटैले बाटे। भारत के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय अंतर्गत के बाह्य व्यापार विभाग से काल प्रतिबंध हटाबे के निर्णय कैल भंसार विभाग जानकारी दिले बाटे। 3.5 महीना बाद
काल प्रतिबंध हटाए के निर्णय भारत से कैले। जानकारी प्राप्त भइल भंसार विभाग के महानिर्देशक सुमन दाहाल जानकारी दिले बनी। अपन मुलुक में प्याज अभाव होखे वाला कहत गत भादो 29 गते से भारत प्याज निर्यात में रोक लगैले रहे। भारत से प्रतिबंध लगावल के बिहान भेला ही नेपाल में प्याज के भाव 2 वर्ष से ज्यादा बढ़ल रहे। अब मौसम संबंधी जानकारी। रेडियो बादल 89 MHz द्वारा मापन कैल गेल अनुसार सिमरौनगढ़ लगायत आसपास के क्षेत्र के अभी के न्यूनतम तापक्रम 20 डिग्री सेल्सियस रहल बा। ऐसी आज सवेरे 17 दोपहर 26 डिग्री सेल्सियस रहल रहे। आज रात में 14 डिग्री सेल्सियस तापक्रम रहे के अनुमान कैल गेल बा। ऐसे ही आज सवेरे 6:53 में बेर उगल रहे, साझे 5:21 में बेर डूबल रहे। आज के खातिर बादल खबर इतने, जाते जाते प्रमुख खबर एक बार फिर से। नेकपा 12 द्वारा संसद विघटन के संवैधानिक कु कहत कलिय में विरोध है। प्रचंड कुर्सी में ही सब क्रांति देखे वाला महारोग से ग्रसित रहल कहनी शहरी विकास मंत्री प्रभुसा। सप्तरी में राजावादी के प्रदर्शन में हस्तक्षेप, बैनर में आगजनी, 12 में फांसी झूल के युवक कैलक आत्महत्या। भुगतानी के समझौता भइल खबर सुन के एक होकर किसान के हृदयघात के कारण मृत्यु। महोत्री में घूर तापे के क्रम में देह में आग ला के एक महिला घायल। बारह जिला के सिमरौनगढ़ में रहल रेडियो बादल 89 MHz तथा इंटरनेट ऑनलाइन के www.radiobadal.com से ही हमारे पात्रों पर दुनिया भर के साथ प्रसारण हो रहा बादल खबर से प्राविधिक मित्र रुस्तम सईद हम नूर आलम बादशाह के विदा दी। नमस्कार।